अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर मुस्तफ़ा है और मैं केएलएफटी के एक प्लांट कोरंगी गैस टरबाइन पावर स्टेशन पे काम करता हूँ एज ए सीनियर असिस्टेंट इंजीनियर। तो मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हूँ, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में। तो हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन के हवाले से तो बैरिंग से वास्ता नहीं पड़ता, लेकिन इलेक्ट्रिकल के काम में हमें बैरिंग से काफ़ी वास्ता पड़ता है। हमारे प्लांट पर काफ़ी सारी मोटरें हैं, तो उसके जब फेलियर हो जाते हैं, ज़्यादातर वाकई बैरिंग ही डैमेज होते हैं, बैरिंग फेलियर होते हैं, या वो पीएम एक्टिविटी में 6 महीने बाद, साल बाद ऐसी रूटीन आती है रूटीन मेंटेनेंस के, हमें बैरिंग सही चलते हुए भी चेंज करने पड़ते हैं कि रूटीन में होते हैं। तो उसमें हमें एक्सपीरियंस नहीं था, बस जस्ट हम ये देखते थे कि हाँ साउंड है या नहीं है, बस उतार के फेंक दिया, या नया बैरिंग चढ़ा रहे हैं उसको हाथ में डाल के यूँ घुमाया और देखा कि कैसा है, ठीक है जी। अपने अंदाजे से, कोई हमारे पास थ्योरी नहीं थी, प्रैक्टिकल नहीं था, और अगर कोई ज़्यादा अटक रहा होता था तो किसी से पूछ लेते थे इसमें साउंड है, ज़्यादा फ्री नहीं है। तो वो सिर्फ हमारे, मतलब कि हमने आज सीखा कि वो सिर्फ हमारे फेक तजर्बात थे, कोई असल हकीकत नहीं थी। तो आज खुरम साहब ने जो हमें 2 दिन की ट्रेनिंग सेशन में हमें ये बताया, तो हमने बहुत कुछ सीखा है और हमें पता चला है कि जो कुछ हम करते रहे वो मतलब कि वो असल नहीं था, असल यही था जो आज हमने सीखा है कि क्या क्या डैमेजेस हैं, कैसे एनालाइज़ करना है, और कैसे हमने बैरिंग की माउंटिंग करनी है, कैसे डिसमाउंट करना है उसको, और शाफ्ट को, यानी कि शाफ्ट की तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान नहीं जाता था, तो उसकी तरफ भी आइंदा हम ख्याल रखेंगे, शाफ्ट को भी चेक करना है माउंटिंग के वक्त और निकालते वक्त, ये सारी चीज़ों को हमने मेजर करना है, और इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने बैरिंग को यानी कि एनालाइज़ करना है। तो ये नहीं कि कोई भी मसला आ रहा है तो हम कहें कि बैरिंग ख़राब हो गया या बैरिंग बनाने वाली कंपनी ने हमें सही चीज़ नहीं भेजी, तो हम अपने इक्विपमेंट, अपनी मोटर, अपनी शाफ्ट वगैरह सारी चीज़ों को देखते हुए तो हम जाएंगे कि असल मसला कहाँ पे है। तो इन 2 दिन की ट्रेनिंग में अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी कुछ सीखा है, और हमें उम्मीद है कि आइंदा हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ या जो हम जॉब कर रहे हैं उसमें इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, और हमें उम्मीद है कि ये 2 दिन की जो ट्रेनिंग है हमारे बहुत काम आएगी इंशाल्लाह। थैंक यू।